नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? और मेरे चैनल तनिष्का बेबो एंड मून में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था मेरे शहर की दिवाली डेकोर, और इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ मेरे घर की काली पूजा। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो वो मेरे चैनल तनिष्का बेबो एंड मून को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। सुबह से ही शुरू हो गई है माँ काली की पूजा की तैयारियाँ। रात की पूजा की रिचुअल यहाँ से शुरू होती है। पूजा की शुरुआत में ही पहले कलश में पानी भरकर मंगल घाट के रूप में रखा जाता है, और ये लगा है एक 3D चेंजिंग झालर जो कि मंदिर के रूफ को बनाता है और भी खूबसूरत। यहाँ घर की औरतों ने बनाया है सफ़ेद रंग की रंगोली जो कि हम बंगालीज के हर पूजा में आपको देखने को मिल जाता है। और ये है हमारी ममता मई काली माँ। रात की पूजा शुरू होने से पहले हम पूरी फैमिली बैठकर करते हैं एक साथ बातें, मजाक, मस्तियाँ। एक साल बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी बातें एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। बस मस्ती मजाक और बातों के साथ साथ चल रही है यहाँ फुल फैमिली की फोटोग्राफी। पूजा के दिन घर पर स्पेशल कुक की व्यवस्था की जाती है। रात हो चुकी है और यहाँ माँ महामाया माँ काली की पूजा हो चुकी है शुरू। तो चलिए हम सब शामिल होते हैं माँ की पूजा में। रात की पूजा के बाद नेक्स्ट डे होती है महाभोज का आयोजन। तो अब हम पूरे परिवार एक साथ करने वाले हैं महाभोग के प्रसाद को ग्रहण। इस महाभोज में घर के लोगों के साथ साथ मोहल्ले के बहुत सारे और भी लोगों को बुलाया जाता है। I can't forget the day we met, your eyes so blue, mere present. आज है काली पूजा के बाद तीसरा दिन, और आज सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई है भाई दूज के लिए। यहाँ पर मैंने भाई दूज के सेरेमनी के लिए दीप सजा लिया है। मैं हर साल अपने दादा यानी हस्बैंड के बड़े भाई को तिलक करती हूँ भाई दूज पर, और मेरे चचेरे देवरों को भी तिलक। Hey, oh, no, no, no. Hey, oh, no, no.
सो काली पूजा, महाभोज और भाई दूज के बाद ख़त्म होती है मेरी आज की ब्लॉग। मेरी आज की ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइए और मेरे चैनल जनिस्का बेबॉय एंड मून को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।